पंडित, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लेके मैं थोड़ी पे। आज के वीडियो में हम क्लास 11th का जो मैथ है M1 है उसका सेकंड चैप्टर देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप नाम बहुत बार सुने होंगे, लगभग 8वीं 9वीं से तो चालू हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक, राइट। तो आज हम फुल बेसिक देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक, इसका ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसका मतलब क्या है और उसके कुछ बेसिक फॉर्मूले देखेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दे, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राइगोनोमेट्रिक, राइट। ये इसका मतलब हो जाता है। इसका मतलब ट्राई मतलब तीन, इसका मतलब होता है शेप और इसका मतलब होता है मेजर, राइट। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो गया, राइट। तो तीनों के मिला देंगे तो क्या बन जाएंगे, तीन शेप को मेजर करने वाला, राइट। तो तीन शेप किसका रहता है हमारे पास, सिंपली बहुत फेमस है ट्राइंगल। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा खेल जो है राइट एंगल ट्राइंगल पे टिका हुआ है। ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या, उसका एक जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री का रहेगा, राइट। बाकी उससे छोटा रहेंगे, छोटा तो रहना ही पड़ेगा, जैसे कि ए बी सी, राइट। तो आपको समझ गया होगा ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, राइट। अब ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। इसको हम जो है, ये जो बड़ी वाली लाइन है इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, राइट। विकर्ण, उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। और इसके सामने वाली जो भुजा है इसको हम अपोजिट साइड कहते हैं, राइट। इसको सपोज कीजिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक ओ से डिनोट कर रहा हूँ और इसको एडजेसेंट साइड कहते हैं, राइट। इसको एडजेसेंट साइड कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ गया होगा, राइट। तो इसको हम एडजेसेंट साइड कहते हैं, राइट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में तीन मेन फंक्शन है, कौन सा है, साइन कोसाइन टेंजेंट, साइन कोसाइन टेंजेंट, राइट। तो साइन, साइन कोस टेन, राइट। तो साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, इधर थीटा लिखना है, सॉरी, साइन थीटा कोस थीटा। साइन कोसाइन और टेंजेंट ये तीन फंक्शन है, उसके हम एंगल मेजरमेंट करने के लिए, एंगल के लिए हम साइन कोसाइन का यूज करते हैं, राइट। इसलिए थीटा लिखना जरूरी है, नहीं तो उसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। तो साइन थीटा, तो साइन साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा मिलेगा, राइट। और कोस थीटा क्या होता है, ये भाई का हो गया, अब नीचे वाला बेस है उसको, इसको आप बेस भी बोलते हैं, एडजेसेंट साइड, मतलब इसको ए से डिनोट करते हैं, अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो आप साइन समझ गया, कोस समझ गया। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये दोनों को जब एक दूसरे से, मतलब साइन को कोस से डिवाइड करते हैं तब जाके टेन बनता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, राइट। तो इसको आप कैसे लिखते हैं, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा का वैल्यू क्या, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। अब देखिए ए एच से ए एच कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ बाय ए। इसको कैसे, मैंने ये साइन थीटा कैसे आता है, कोस थीटा कैसे, ये आपको समझ गया होगा, राइट। अब ये तो हो गया, अब और तीन आइडेंटिटीज है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक होता है कोस थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, राइट। एक होता है हमारे पास सेक थीटा और इसका रिवर्स का, इसका कोट थीटा, कोट थीटा, राइट। तो सिंपली ये जो साइन थीटा है, कोसेक थीटा क्या होता है हमारे पास, वन बाय साइन थीटा। तो इधर से हमें पता है साइन थीटा क्या है हमारे पास, वन बाय ओ बाय एच।
अभी इसके डिनोमीटर में ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय अपोजिट साइड। सेम इसके लिए करेंगे सेक थीटा के लिए, तो इसके लिए तो हम वन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वन बाय कोस थीटा। तो ये हो गया कोस थीटा, कोस थीटा हमें पता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली ए बाय एच, राइट। अब दो को तो निपटा दिए, तीसरा क्या हमारे पास कोट थीटा, इसको भी निपटा देते हैं। कोट थीटा वो क्या आ जाएगा, वन बाय टेन थीटा, राइट। तो ये कितना, इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, राइट। तो क्या आ जाएगा, सिंपली ए बाय ओ, राइट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, कोट थीटा। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, राइट। आई होप आपको ये सब याद होने चाहिए, इसका हम आगे यूज करें, और दो चार बेसिक फॉर्मूला है वो मैं लिखता हूँ। तो अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, राइट। हमारे पास कितने क्वाड्रेंट रहते हैं, टोटल चार रहते हैं। ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट बन गया, राइट। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये वाई एक्सिस, राइट। ये जीरो डिग्री, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अब जैसे हमारे पास क्या था, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, राइट। तो उसमें से हमें पता करना है, या फिर पता है कि कौन सा साइन कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, किस में नेगेटिव रहेगा। तो इसका सिंपली फॉर्मूला है, ऑल सिल्वर टी कप, राइट। इसको याद करते, ऑल ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें सभी पॉजिटिव रहेंगे, साइन को साइन, साइन को साइन, टेंजेंट, कोट और कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब पॉजिटिव रहेंगे। जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, छः के छः, इसमें सभी पॉजिटिव रहेंगे। और जो हमारे पास सेकेंड है, तो यस यस मतलब सिल्वर बोले तो सिर्फ ये समझने के लिए, मतलब याद करने के लिए ये वर्ड लिखा गया, एक वर्ड बना, सेंटेंस बनाया गया है, ऑल सिल्वर टी कप, राइट। ये जो है सेकेंड क्वाड्रेंट, वो कोसेक थीटा और साइन थीटा का घर है, राइट। तो यहाँ पे साइन अलवेज पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा। और दूसरा क्या है हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, राइट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में दो आदमी का घर है, दो भाई का घर है, साइन थीटा और कोसेक थीटा का, इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रखते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव रहता है, टेन थीटा और कोट थीटा, राइट। ये दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं, और बचा खुचा तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कोस और सेक थीटा, राइट। आई होप आपको समझ गया होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा और सेक थीटा और कोस थीटा पॉजिटिव रहता है, राइट। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि साइन थीटा या फिर जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट है उसमें कौन से वैल्यू, अगर यहाँ पे आपको मान लो दे दिया साइन वन एट्टी डिग्री, राइट, साइन एक सौ इक्यासी डिग्री दिया, तो ये सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा 180 वन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, राइट। जैसे कि ये तो जीरो डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, ये यहाँ से यहाँ आएगा फिर 180 डिग्री, फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 270 डिग्री, और फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा तो हो जाएगा 360 डिग्री, राइट। लेकिन साइन 181 मतलब क्या, यहाँ तक तो अगर 180 रहता तो साइन थीटा रहता, राइट। लेकिन 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 वो 180 मतलब एक डिग्री उसके नीचे, मतलब वो यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा इसका,
थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में किसका चलता है? थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा का चलता है, राइट। तो वहाँ पे साइन थीटा निगेटिव रहेगा, राइट। आई होप आपको समझ गया होगा, ये फुल बेसिक कंसेप्ट था। तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।